अगर इस वीडियो के ऊपर 3 लाख लाइक कंप्लीट होते हैं तो अपन भी एक स्पोर्ट्स कार लेंगे। गाइस 2-3 करोड़ के अंदर तो फेरारी आ जाती है, लेकिन गाइस क्या होगा अगर किसी कार की कीमत 100 करोड़ हो? 100 करोड़। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी कार दिखाने वाले हैं जिसकी कीमत है 100 करोड़। 100 करोड़। जी हाँ गाइस, और ऐसी गाड़ी इंडिया के अंदर तो भाई अभी तक है ही नहीं कोई, और जो हम दिखाने जा रहे हैं उसके अलावा कोई और वो जो गाड़ी है वो है सिर्फ, अभी जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ एक आदमी के पास, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना क्योंकि हम दिखाने वाले हैं गाड़ी 100 करोड़। चलो चलो बैठो 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 बैठो, गोविंद पीछे देख रहे हैं कि कोई उड़ा ना दे हमें इसको बचाने के लिए। चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस यार 100 करोड़ की गाड़ी कैसी होगी, देखने में कैसी है, कैसे चलती होगी, बहुत मजा आ जाएगा। चलो तो गाइस रास्ते में हमें सब्सक्राइबर मिल चुके हैं हमारे। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल। तो एकदम से कैसे पहचान लिया यार? हम आपको रास्ते में याद करते हुए आ रहे थे। अच्छा, तो भाई हमें रास्ते में याद करते हुए आ रहे थे, इसका मतलब हमारी उम्र लंबी है। अच्छा, तो आप क्या याद कर रहे थे रास्ते में, क्या बातें हो रही थी, सच बोलना क्या बातें कर रहे थे? ये टोयोटा शोरूम है ना यार। हाँ, वहाँ पे हमने देखा आप वहाँ पे गए हुए थे, वो सब हम देख रहे थे वीडियो में देखा। अच्छा, जो वो टोयोटा शोरूम की जो वीडियो। क्या नाम आपका? क्या नाम ब्रदर? आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? किशनगढ़ जा रहे हैं। नाइस नाइस। चलो हम थोड़ा लेट हो रहे हैं वरना आपके साथ रुकते हैं। एक फोटो खिंचा ले ना। बिल्कुल आ जाओ, इधर से लो, इधर से अच्छी आएगी सफ़ेद, ये धूप इधर से आ रही है ना। चलो भाई ख्याल रखो अपना, है ना। ओके डियर, हैव अ नाइस डे। आ जा आ जा आ जा, अपन तो चल रहे। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी जयपुर। चल जाओ बैठ जाओ। तो गाइस एक छोटा सा सवाल, 100 करोड़ की गाड़ी है ना, तो एक बात बताओ विक्रम, 100 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? जल्दी बता, ऐसे सोचने टाइम नहीं है। 100 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं बता? 7? मुझे भी नहीं पता। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, आप कितने होते हैं? 8 जीरो होते हैं 100 करोड़। 8 जीरो होते हैं। तो गाइस अगर ये सही है तो भवानी भाई के लिए एक बार लिख देना भवानी ओपी कमेंट्स के अंदर, और अगर ये गलत है तो 2 अच्छी सी गालियां देना, ठीक है? 10 है, 10। तुमने इंटरनेट पर सर्च कर लिया? भाई मैं आंगले पर सर्च कर रही हूँ। आंगले पर एक दिखाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़। बड़द को मातो थारो। कैसे हो भैया? कहाँ है अपनी बुगाटी? का है ये नहीं देखो सामने ही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये रही बुगाटी सेंटो डियासी, 100 करोड़ की कार बुगाटी सेंटो डियासी। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि ये रियल सेंटो डियासी नहीं है बुगाटी की, लेकिन ये क्यों नहीं है श्रेय भाई बताओ ना यार, आइए इधर आइए। तो गाइस इनसे मिलिए, इस गाड़ी को बनाया है भैया ने इस गैराज के अंदर। भैया क्यों बनाया, क्या रीजन रहा, मुझे पूरा बताओ यार। स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक सबकी पहली पसंद है, ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन है बुगाटी, ऑलरेडी इंडिया में एक भी गाड़ी नहीं है, और बहुत दिल से प्यार था खरीदने के लिए, बहुत कॉस्टली थी, बहुत लिमिटेड एडिशन था, खरीद भी लिया लेकिन बहुत लिमिटेड एडिशन। भैया का कहना है कि देखो पहले क्या कीमत क्या है, जो जो रियल वाली बुगाटी उसकी कीमत क्या है? 100 करोड़ से ऊपर।
गाइस 100 करोड़ से ऊपर है और कंपनी ने आई थिंक 10 ही मॉडल बनाए थे, जिसमें से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। और अगर अपन लेना भी चाहे तो भी कंपनी नहीं देती क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। और भैया को ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इन्होंने खुद बना ली। ये देखो गाइस, इसे कहते हैं पैशन। जो चीज़ पसंद आई नहीं मिल पा रही थी तो खुद बना दी। इस बस यही एक कारण था कि मैं यहाँ तक आया भैया से मिलने के लिए, क्योंकि एक इंस्पिरेशन वाली बात है यार, हमें भी कोई चीज़ नहीं मिलती, हम कैसे भी करके। कितना टाइम लगा भैया इसको बनाने में? इसको बनाने में 7 से 8 महीने लगे। 7 से 8 महीने अभी इसमें बहुत काम बाकी है। 70-80% कंप्लीट है, चलने लायक है, टेस्टिंग पूरी चेक कर ली हमने, बट फाइनल और फिनिशिंग मोड थोड़ा सा बाकी है। अभी चालू अपन चला सकते हैं, चला सकते। बाकी साउंड आपने सुना गाइस, साउंड बिल्कुल वैसा है। सारा काम भैया ने और भैया की टीम ने मिलके किया है। भैया खर्चा कितना आ गया इसके? खर्चा भी अप्रोक्स मानोगे तो अभी 15-17 लाख रुपए आ चुका है, फाइनल करते करते 20 तक आप पकड़ो, मोटा मोटी उतना आ ही जाएगा। सोचो यार, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो गाड़ियां बनाती है और एक कोई एक बंदा होता है जिसे कोई चीज़ पसंद आती है और वो खुद के गराज के अंदर ही बुगाटी सेंटो डियाज बना लेता है। भैया चला सकते हैं ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलो इसे बाहर लेके चलते हैं, देखते हैं कि रोड पे ये जो गाड़ी है कैसे लगती है। हालांकि इसके अंदर कुछ कुछ फिनिशिंग जो टचिंग है वो बाकी है, लेकिन अभी चलने लायक गाड़ी है। चलो फिर चलो इसको लेके चलते हैं, आ जाओ। हाथों से और एक गैराज के अंदर बनाई गई है। वाह क्या बात है, मजा आ गया। अबे चल रहे रोड पे चलते हैं गाइस, रोड पे लेके चलते हैं और रोड पे चलेंगे। गाइस ये देखो, अंदर से कुछ इस तरीके का लुक आता है। स्टेयरिंग देखो गाइस बहुत कूल है, साथ ही साथ ये हैं और इसके अंदर दो ही जने बैठ सकते हैं, तो भैया और मैं बैठे हुए हैं। और भाई साहब आवाज सुनना, भैया गेयर डालना दूसरा, मैं शूट भी कर रहा हूँ ना इसलिए। तीसरा, वो भैया मजा आ गया यार, एक नंबर। कोई कह ही नहीं सकता कि ये रेप्लिका है, कोई नहीं कह सकता। और वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर, हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रियल वाली 100 करोड़ वाली है उसके मुकाबले में 15-20 लाख के अंदर आपने इस गाड़ी को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना अच्छा बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, बहुत बहुत मेहनत का काम है। भैया यार लोग रुकते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ियां जिस काम के लिए लोग लेते हैं ना, देखो थोड़ा मन में रहता है कि लोग देखें या फिर मतलब लोग पसंद करें अपन जिसमें बैठे हैं उस चीज को, और वो इसके साथ है। कितने सारे लोग आप भी देख रहे हैं, मैं तो क्या देख ही रहा हूँ। मेन तो क्या है ना, इसका जो साउंड है ना वो बिल्कुल वैसा ही फील दे रहा है। तो साउंड के लिए मतलब स्पेशली आपने जुगाड़ किया, स्पेशली कुछ कस्टम साइलेंसर्स बनाए इसके लिए? हाँ बिल्कुल, इसमें साइलेंसर्स को पूरा चेंज किया गया। इसमें पहले वन वे साइलेंसर था, उसको काट के जॉइंट्स बना के फिर उसको फोर वे किया। हाँ क्योंकि मैंने देखा दोनों के, जब मैं पैर टच कर रहा हूँ दोनों में से हवा आ रही है, दोनों में से आवाज आ रही है, हवा इंदर से धुआं तो वो दोनों में से आ रहा है। और रात को फायरिंग भी आएगी इसके। ओहो वो फट 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 पटाखे जो बोलते हैं निकलेंगे, क्या बात है। आ जाओ भैया आ जाओ। यकीन मानो गाइस, जहाँ से भी हम इस गाड़ी को लेके जाते हैं ना, देखो भीड़ रुक जाती है। सच बात बोलूं, कोई भी नहीं कह सकता है कि ये रेप्लिका है, जबकि इसके अंदर अभी आप कह रहे हैं अभी और बहुत सारा काम बाकी है। 70% काम हुआ है, बाकी बहुत कुछ बाकी है। भैया ये जो है, लोग जानना चाहेंगे जितने व्यूअर्स हैं कि ये कितनी मजबूत है या फिर क्या, कुछ इसके बारे में बताइए कि कितना टाइम लग गया और बाकी सारी चीजें। भैया इसको बना रखा है, मजबूती का तो क्या है, अपन में आपको ऐसे बिल्कुल बहुत शार्प सन है, तो जनरली अगर मेटल के बनाएंगे तो इतना शार्प होते नहीं है, बट अपन इसके ऊपर आराम से खड़े हो सकते हैं।
गाइस आप देख सकते हैं कोई हल्का फुल्का नहीं, ऊपर की जो आउटर बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ये देखो भैया अभी बोनेट पे खड़े हुए हैं, नॉर्मल गाड़ियों के बोनेट पे खड़े होते हैं वो भी पिचकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप देख सकते हैं सॉलिड। इसकी छत पे भी जा सकते हैं। अरे भैया नहीं छत पे नहीं, मुझे अजीब लगेगा यार, भैया बुगाटी है। गाइस आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, आप खड़े होकर कूद भी सकते हो तो अभी कुछ बैंड नहीं आएगा। ये देखो और भैया ने भी इसे टू सीटर बनाया है। टू सीटर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं भैया से लूंगा, कुछ दिन अपने पास रखूंगा, पकाना संभाल के रखूंगा। भाई गाइस ये देखो इसके अंदर टायर, इतने बड़े वाले टायर है, ये देखो ऐसे अंदाज नहीं लग रहा, नहीं देखो मेरे हाथ जितना लंबा बड़ा टायर है। चारों के अंदर डिस्क ब्रेक है गाइस और दो सीटर है, अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो और मैनुअल ट्रांसमिशन है और एवरेज, एवरेज मत पूछो भैया, एवरेज 7 या 8 का देगी सिर्फ। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो गाइस यार ये थी बुगाटी सेंटोडाइसी और जो रियल गाड़ी है 100 करोड़ की आती है, लेकिन मैं तो इस बात को सुन के हैरान रह गया कि भैया ने मतलब जो है ठान लिया कि इसे बनाना है। 7-8 महीने लगे, बहुत सारी चीजों को चैलेंज आया, पार्ट्स को बनाने करने में बहुत चैलेंज है, एक्सट्रीम चैनल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेक्निकल कुछ भी पार्ट इसका बाहर नहीं मिलेगा। यहाँ सही बात, जो चाहिए खुद बनाना, खुद बनाना पड़ेगा सारी चीजें हैंडमेड है। तो गाइस यार ये थी बुगाटी सेंटोडाइसी, पूरा ओवर व्यू देख लो, ये देखो इतना बड़ा टायर है, पीछे के देखो साइलेंसर्स बहुत कूल है गाइस, ये देखो बहुत कूल है, पूरी बॉडी फाइबर है या फाइबर प्लस मेटल, फाइबर प्लस मेटल दोनों, तो इतने बड़े टायर को फिट करने के लिए बहुत कुछ स्पेसर्स वगैरह लग के टेक्निकल, ताकि वो बॉडी शिफ्ट और वेट बराबर रहे। तो भैया के लिए आप जो भी कमेंट करना चाहें, मेन ये होता है यार कि खुशी इस बात की होती है जब कोई अपने सपने को पूरे करने के लिए इस लेवल तक। आप अपना जो गैराज है उसका क्या नाम है? ड्रीम कस्टम्स इंडिया। और भैया को जो भी गाड़ी पसंद आती है या तो वो उसे खरीद लेते हैं, और अगर नहीं खरीदते हैं, नहीं मिलती है तो उसे बना लेते हैं। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, और हाँ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फाइनली गाड़ी भले ही रेप्लिका थी लेकिन गाइस यार बहुत प्यारी थी, मजा आया, क्यों गाड़ी कैसी थी, मस्त थी ना, मस्त थी। तो गाइस यार अब शूट कंप्लीट हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर पे। एक चीज बोलू, हाँ बोल यार, अपने पास भी एक कार होनी चाहिए, स्पोर्ट कार यार भाई, हाँ भाई उसको देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था यार 30 मिलियन हो गया अपने भी यार, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, वैसे भी अपने एक गाड़ी तो होनी चाहिए जिसमें अपन भी घूमे फिरे, रील उसकी आवाज ऐसी है यार, अभी कैसे मतलब अभी तो तेरे को पता है ना, नहीं चाहिए, अरे तो लोग बोलेंगे, बोले कि शो ऑफ कर रहे हैं, अरे वो बात नहीं है, देखो मेरे पास सुनो, अगर देखो टाइटेनियम आर्मी अपने को सपोर्ट पास में होनी चाहिए गाड़ी। तो गाइस आप क्या कहते हो यार, टाइटेनियम आर्मी क्या कहती है, क्या टाइटेनियम आर्मी के लिए एक स्पोर्ट्स कार लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। चल ठीक है मोटा, गाइस इसका चेहरा देखा, मुझसे देखा नहीं जा रहा है यार, और यार इतना प्यार से बोल रहे, तुम यार भाव कर दोगे मुझे, चलाने की इच्छा है यार। चलो चल चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है ना, चलो एक शर्त पे, अगर इस वीडियो के ऊपर 3 लाख लाइक कंप्लीट होते हैं तो अपन भी एक स्पोर्ट्स कार लेंगे। टाइटेनियम जल्दी करो यार, बोलो हो जाएंगे, मुझे आगे बोलो। तो गाइस ठीक है, तो गाइस अगर इस वीडियो तो गाइस अगर इस तो गाइस अगर एक दिन में एक घंटे में क्या कर रहा है, 3 लाख लाइक होते हैं, 3 लाख, ठीक है गाइस, ठीक है, चलो ठीक है ये डन रहा। तो गाइस अगर इस वीडियो पे 3 लाख लाइक कंप्लीट होते हैं तो हम टाइटेनियम आर्मी के लिए भी एक स्पोर्ट कार, एक सुपर कार लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी लाइक करो, जल्दी गलती ना हो जाए अपने से, गाड़ी मुझे चलाऊंगा बस अब। अरे तुम्हारी बात ठीक है लेकिन भाई यार प्लीज यार ले ले यार एक तो गाड़ी, एक तो ले भाई, एक गाड़ी तो बस हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ 3 लाख लाइक, मुझे नहीं लगता है 3 लाख लाइक हो जाएगा, अरे ज्यादा हो जाएंगे भाई, 3 लाख नहीं हो गए यार। अगर ऑडियंस की इच्छा हुई, पब्लिक भी चाहेगी, सब्सक्राइबर भाई कमेंट भर भर के कमेंट देना। ओ सॉरी गेम, हाँ तो गाइज वही बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपके लिए एक सुपर कार ले तो 3 लाख लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना। बाय बाय, लव यू सो मच टाइटेनियम आर्मी।